आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में से पूछा गया है कि हमें एग्जांपल देना है उस सिचुएशन का जिसमें हम अप्लाइड फोर्स तो कर रहे थे लेकिन डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब फोर्स अप्लाई करने के बाद भी काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास इनिशियल थी, वही काइनेटिक एनर्जी उसके पास फाइनल भी होनी चाहिए। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हमारे पास होना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये हमसे क्या रखा था यहाँ पे, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है हमारा, ये सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा था न्यूक्लियस के अराउंड। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस मान लेते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड ऑर्बिट कर रहा था, सर्कुलर ऑर्बिट कर रहा था, तो आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन पे क्या एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती। ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही होती सेंटर के अबाउट। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ही ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा था। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इसको सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी या सेंट्रिफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड करती थी। फोर्स की वैल्यू रहती है हमारे पास 1/4πε0 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इंटू चार्ज ऑन द न्यूक्लियस। ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर। ये फोर्स लग रही होती उस पर। ठीक है, कॉन्स्टेंट फोर्स लग रही होती लेकिन उसके पास काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही होती, क्योंकि अगर इसके पास इनिशियल वेलोसिटी वी होती, इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती 1/2mv² के बराबर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी जबकि उस पर फोर्स लग रही होती। ठीक है, ये फोर्स ही उसको सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर देती लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही होती। दूसरा एग्जांपल इसका एक ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम रफ इंक्लाइन प्लेन पे लेके जा रहे थे। ठीक है, उसको हम रफ इंक्लाइन प्लेन पे लेके जा रहे थे, तो आप देख सकते हैं mg sin θ इसका नीचे लग रहा होता, mg sin θ फोर्स नीचे लग रही होती और फ्रिक्शन फोर्स एफ भी नीचे लग रहा होता। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स एफ भी नीचे लग रहा होता और एक हम एफ फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ये जो फोर्स एफ है ये इसके mg sin θ और फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस हो जा रहा था, यानी हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे थे उस पर। ठीक है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टेंट स्पीड से ही ऊपर जा रहा था। ठीक है, अगर इसके पास इनिशियल स्पीड वी होती तो हम फोर्स एफ कितना फोर्स एफ अप्लाई कर रहे होते और वो mg sin θ और फ्रिक्शन फोर्स से बैलेंस भी हो रहा था, फिर भी वो वी वेलोसिटी से ही आगे चल रहा होता। ठीक है, क्योंकि इसके पास कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं थी इसलिए इसकी जो स्पीड थी वो कॉन्स्टेंट रहती। ठीक है, तो ये दो इसके एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।